गणतंत्र दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में अलवर प्रशासन द्वारा जिले के प्रथम नागरिक जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर के प्रोटोकॉल का ध्यान न रखते हुए पीछे की पंक्ति में बैठाने से नाराज जिला प्रमुख चिल्लर के समर्थन में खैरथल में जिला कलेक्टर का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। पुतला फूंककर प्रदर्शन कर रहे जाट समाज के लोगों ने कहा कि जिला प्रमुख के साथ इस तरह से किए गए व्यवहार से समस्त जाट समाज अपमानित महसूस कर रहा है तथा इसके लिए जिम्मेदार जिला कलेक्टर है, इसीलिए कलेक्टर को तुरंत पद से हटाना चाहिए। इस दौरान लोगों ने जिला कलेक्टर नन्नूवल पहाड़िया मुर्दाबाद व बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्टर का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर वीर सिंह ढिल्लन, मोहनलाल शर्मा, पूर्व पार्षद महेंद्र ठेकेदार, बसंत चौधरी, दीपक चौधरी, पवन राठी, गोवर्धन शर्मा, मदनलाल गुप्ता, किशोर बच्चानी, निक्की शर्मा, सुरेंद्र चौधरी, अंकित चौधरी आदि ने पुतला दहन में भाग लिया। आज ही अपने 26 जनवरी को जो जिले में एक असंवैधानिक कार्य हुआ कि हमारे जिले के प्रथम नागरिक माननीय जिला प्रमुख जी बलवीर छिल्लर जी को मंच पे बैठने तक की जगह नहीं दी, उसके विरोध में जिला कलेक्टर जो प्रशासनिक अधिकारी जिनके बुलावे पे और जिला प्रमुख जी गए थे कार्यक्रम में, उनकी कमी के कारण ये जो है जो हरकतें हुई और इतना अपमानित होना पड़ा जिले को कि जिले के प्रथम नागरिक को बैठने की जगह नहीं मिली, उनके विरोध में आज 36 बिरादरी के युवाओं ने और लोगों ने मिलकर के और विरोध प्रदर्शन किया है और पहाड़िया जी का पुतला दहन किया। यहाँ से नन्नूमल पहाड़िया जी को यहाँ से रवानगी मिलनी चाहिए। नहीं होगी जब तक हम डटेंगे नहीं। ये इसी ढंग से जो है आक्रोश जनता का बढ़ते देखिए। जिम्मेदार जो वहाँ की प्रथम ताकत तो कलेक्टर साहब है, प्रशासनिक अधिकारी है जिनके बुलावे पर जिला प्रमुख जी गए हैं कार्यक्रम में, तो ये तो व्यवस्था देखनी चाहिए थी कलेक्टर साहब को। उन्होंने किन के इशारे पे ऐसा किया है ये वो तो वही बताएंगे। चुनरी जी भी कहीं हद तक इसमें इन्वॉल्व क्यों हो सकते हैं कि वो कम से कम अगर ऐसी बात उनके सामने आई तो वो कम से कम उनका सम्मान, उनकी कुर्सी वहां लगा सकते थे, उनको सम्मान दिला सकते थे, जिम्मेदारी तो बनती थी। नैतिक जिम्मेदारी तो टीकाराम जूली जी की बनती है। जिला कलेक्टर साहब को यहाँ से भेजा नहीं जाता है और जब तक इसकी पूर्ण रूप से जाँच नहीं हो पाती है तब तक ये धरना प्रदर्शन इस तरीके का होता है।